बहुत पहले एक रोमन कवि हुए थे, नाम था जुवेनल। जुवेनल बाबा अंग्रेजी में एक बात कह गए, इफ यू कैन नॉट गिव ब्रेड टू योर पीपल शो देम सर्कस। अगर आप जनता को रोटी नहीं दे सकते तो उन्हें सर्कस दिखाइए। जनता सर्कस देखकर तालियां बजाएगी, जोकर पर हंसेगी और भूल जाएगी कि वो भूखी है। इन दिनों देश जुवेनल के कहे मुताबिक ही चल रहा है। जय भीम, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द शूद्र। युवाओं ने नौकरी मांगी तो रिया चक्रवर्ती का सर्कस, हार्डवर्क करने वालों ने जीडीपी को पाताल में पहुंचाया तो चीन का सर्कस, जनता ने चुनावी वादे याद दिलाए तो पाकिस्तान का सर्कस, और कोरोना से बचने के इंतजाम में फेल हुए तो तबलीगी जमात का सर्कस। देश में एक से बढ़कर एक सर्कस चल रहे हैं, एक से बढ़कर एक जोकर लतीफे सुना रहे हैं। वैसे पहले जोकर को देखने के लिए आपको उस जगह जाना पड़ता था जहां सर्कस का पंडाल लगा हो, लेकिन आजकल जोकर टीवी पर दिखते हैं। एक जोकर पसंद ना आए तो रिमोट उठाइए और दूसरा देख लीजिए। ये जोकर आपको खूब हंसाएंगे, ये जोकर आपका खूब मन बहलाएंगे, लेकिन असल में ये रिंग मास्टर्स इन जोकर के जरिए अपना एजेंडा चलाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इतना ज्ञान क्यों दे रहा हूं। दरअसल मैं ज्ञान नहीं दे रहा, इस देश में हर कोई पहले से ज्ञानी है। छोटा ज्ञानी, बड़ा ज्ञानी, परम ज्ञानी, महाज्ञानी, ऐसे ही महाज्ञानियों ने तो अच्छे दिनों के सपने दिखाए थे। ऐसे ही महाज्ञानियों ने तो हर अकाउंट में 15 लाख जमा करवाए थे, और ऐसे ही महाज्ञानियों ने ही दूसरी बार भी 2019 में आपके वोट वहीं डलवाए थे। इसलिए मैं ज्ञान नहीं दे रहा, बस अपनी भड़ास निकाल रहा हूं। 5 सितंबर को 5:05 तक देश के बेरोजगारों ने दिल्ली की गद्दी को हिला डाला। हाथों में थाली लेकर बेरोजगारों की भीड़ जब सड़कों पर निकली तो रेल मंत्री को परीक्षा की तारीखों का ऐलान करना पड़ गया। रेल मंत्री शायद अब तक किसी इत्मीनान में थे कि देश का युवा रिया चक्रवर्ती को गालियां देकर और चीनी एप्स पर लगे बैन को सही ठहराकर अपनी राष्ट्रभक्ति के सबूत देता रहेगा, लेकिन युवाओं ने कह दिया कि अब वो सर्कस देखने का मूड नहीं है। इस समय बेरोजगारी पिछले 45 साल के सबसे निचले स्तर पर है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक इस वक्त देश में हर 10 में से एक बेरोजगार व्यक्ति है। सीएमईआई के मुताबिक अगस्त में शहरी बेरोजगारी दर 10% के पास रही, तो वहीं गांव में भी बुरा हाल है। ग्रामीण क्षेत्र में अगस्त में बेरोजगारी के दर 7.65% रही। आंकड़ों को आसान भाषा में बस इतना समझिए कि देश में नौकरियां घट रही हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहा, जिसके पास नौकरी है उसे निकाला जा रहा है, छोटी मोटी कंपनियां बंद हो रही हैं और बड़ी कंपनियों में छटनी हो रही है, और पढ़े लिखे बेरोजगारों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। मंदिर की नींव डालने के बाद भी देश का युवा अब सर्कस की जगह रोटी मांगने लगा है। प्रधान सेवक के भाषणों को YouTube पर थोक के भाव में डिसलाइक मिल रहे हैं। यंग इंडिया ने सबक सिखाया तो कमेंट का ऑप्शन ही बंद कर दिया। हृदय को गहरी चोट पहुंचे, बहुत दर्द होता है, पीड़ा होती है। हार्डवर्क वालों ने इतनी मेहनत की कि देश की अर्थव्यवस्था शर्म के मारे धरती में समा गई। जून तिमाही में GDP में 23.9% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। सरकार इन हालातों को एक्ट ऑफ गॉड यानी भगवान की लीला कह रही है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला ताई को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री यानी प्रधान सेवक ने ही जवाब दे दिया है। ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। ये भी खूब है, पहले ताली थाली घंटे बजाकर सारा क्रेडिट खुद ले लो और जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो इसे एक्ट ऑफ गॉड कहकर नमस्ते कर लो। 2014 से पहले जैसे गुजरात मॉडल फराटेदार तरीके से दौड़ रहा था, आज कोरोना भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कोरोना मामलों में भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। मोदी जी के अथक प्रयासों और कड़ी मेहनत से हम दूसरे नंबर पर आ गए हैं। मैं तो कहता हूं कि देश के हर गली चौराहे पर इस कामयाबी की बधाई देने वाले पोस्टर लगाने चाहिए। देश में फिलहाल कोरोना के 42 लाख से ज्यादा केस पॉजिटिव पाए गए हैं। 71,000 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। covid19.org के मुताबिक इतवार को 51,723 मामले सामने आए थे, वहीं शनिवार को भी 90,000 से ज्यादा मरीज मिले थे।
हमें पक्का यकीन है कि हमारी हार्ड वर्कर सरकार की बदौलत हम जल्द ही हर किसी को पीछे छोड़कर कोरोना मामलों में नंबर एक हो जाएंगे। आखिर कहीं तो भारत विश्व गुरु बने। जब भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो फिर सरकार से सवाल पूछकर समय बर्बाद क्यों किया जाए। टाइम्स नाउ पर जब विश्लेषक सुमंत रमंत ने इकोनॉमी पर सवाल पूछा तो एंकर राहुल शिवशंकर ने कह दिया, देश का समय बर्बाद मत कीजिए, रिया चक्रवर्ती पर बात कीजिए। सरकार भी आपका और मेरा कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहती, इसीलिए संसद के मॉनसून सत्र में ना ही प्रश्नकाल होगा और ना ही शून्यकाल। किसी को सवाल पूछने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग अभी से सवाल पूछने लगे हैं कि क्या ऐसी कोई रिसर्च हुई है जिससे पता चला हो कि सवाल पूछने से भी कोरोना फैलता है। रिसर्च हुई भी होगी तो क्या फर्क पड़ता है, जनता तो सर्कस देख ही रही है। लेकिन सवाल वही का वही है कि आखिर भूखे पेट जनता कब तक मशखरे के लतीफों पर तालियां पीटेगी, क्योंकि महापुरुष कहकर गए हैं, भूखे पेट भजन ना होए। कुछ तो बचा रहना चाहिए, कुछ नहीं बचा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। पबजी बैन हो चुका है, इसलिए हो सकता है कि इसी वीडियो को देखकर उनका टाइम पास हो जाए। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। अगर आप अंबेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट डिटेल्स में हमें आर्थिक मदद पहुंचा सकते हैं। मैं हूं सुमित चौहान और कैमरे के पीछे है मेरी सहयोगी अजरा परवीन। जय भीम, जय भारत। साथियों, अंबेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद जीरो है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ पेटीएम पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।